गुड मॉर्निंग गाइस। सो सामने बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आई डोंट नो सामने क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सो के उठने के बाद मैं थोड़ा सा धूप लेने के बाद नहाती हूँ। सो मैं अभी थोड़ा सा धूप ले रही हूँ और सीधे अब चली जाऊँगी नहाने के लिए। एडिटिंग करते टाइम मिशिका, बाबू और डॉलर सब परेशान करते हैं मुझे, इसीलिए मैं एडिटिंग में आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। सो गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। लेकिन नहाने से पहले मुझे डॉलर को देखना है, क्योंकि डॉलर अंदर बहुत शैतान कर रहा है आज। उसको मैंने ये मिशिका का ये इनर पहनाया था ताकि ये कंफर्टेबल, ये पतला है। जो डॉलर के कपड़े हैं वो काफ़ी मोटे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है इस कपड़े में भी, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आप खुद ही देख लीजिए, आप में से बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ना मुझे कि दी आप उसको, आप जो बेटा बेटा बोलते हो और आप उसे कुत्तों की तरह रखते हो, आप कपड़े तक नहीं पहनाते हो। तो देख लीजिए गाइस, अगर मैं उसको कुत्ते की तरह रख रही होती तो वो दीदी के साथ बगल में इतने अच्छे कंबल में नहीं सो रहा होता। तो इतना पैसा पैसा लगा के मैंने उसको परचेज़ किया है, तो ऐसे तो नहीं मैं क्या बोलते हो उसको रखूँगी। ऑब्वियसली वो बीमार हो जाएगा तो हमारा फिर पैसा लगेगा। तो बिल्कुल मिशिका के जैसे मैं कपड़ा पहना वगैरह करके रखना चाहती हूँ, बट वो रहे तब ना। तो आप देखिए कितना पागल हो रहा है कि ये उतारो क्यों पहनाया है। तो आप देख ही लीजिए, नहीं तो आप लोग हमेशा मुझे ही गलत ठहराते थे हो। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी अभी मैं नहा के आई हूँ एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, कहाँ से आ गई ये ठंड पता नहीं है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद तो बहुत ठंडी लगती है, उसके थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा इसका कलर कितना झक लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट ज़्यादा पड़ रही है ना तो ये चमक रहा है, और मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है। आई डोंट नो इतनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है। सो या अभी अभी मैं नहा के आई हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ मेरे स्किन केयर करूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ आप खुद देख लीजिए। सो गाइज मैं इसमें अपना पूरा मेकअप का और स्किन केयर का सामान रखती हूँ, तो आप देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है ये बहुत बुरे तरीके से मैस हो चुका है यहाँ पे। सो मैं सोच रही हूँ, एक मिनट मैं इसको सेट कर दूँ। ओ तेरी, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ठीक करने से पहले अपना स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि ठंडियाँ चालू हो चुकी हैं और स्किन की बैंड बच चुकी है। सच में ऐसा फील होता है फेस वॉश करने के बाद, स्किन, लिप्स, हैंड सब एकदम खिंचे खिंचे से, क्योंकि घर के अंदर हवा बहुत आती है बालकनी से, इधर की बालकनी से। सो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही है। लेकिन मैं सोच रही हूँ फटाफट से स्किन केयर करती हूँ अपना, लेकिन मुझे आज कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि सब बिल्कुल हॉच पॉच हो गया है। मैं हमेशा अपनी चीज़ें ना एक जगह रखती हूँ अभी, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि आपको सब कुछ मिलेगा, चूड़ी, कंगन, ईयर रिंग, लिपस्टिक, मस्कारा, सब कुछ एक ही टोकरी में, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सबका सिस्टम बना के रखी हुई हूँ कि किस चीज़ में क्या रखना है। सो चलो फटाफट से इसको मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, उसके बाद देखती हूँ। तो अभी फिलहाल जो मेरे हाथ में आएगा मैं उसी से अपना स्किन केयर करूँगी। प्रोडक्ट्स यहाँ पे ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो देखते हैं किस क्या मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे। देखना चाहोगे तो चलो आप लोग भी देख लो, मैं क्यों वीडियो को स्किप करूँ। सो गाइज क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे जो भी हाथ में आए हैं ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं स्किन केयर के लिए। मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं एंड ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सो अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, चाहें तो आप लोग बाय कर सकते हैं बिकॉज अभी अफोर्डेबल चल रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएंगे, क्योंकि purple.com पर न्यू ईयर की इससे अच्छी सेल चल रही है। तो कर पाऊंगी तो कर दूंगी बिकॉज वीडियो आई डोंट नो कब जाती है मेरी, आजकल वीडियो का कोई टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मेरी जो लिप बाप रे लिप बाम की हालत देख रहे हो आप, बर्फ जम चुकी है लिप बाम में। ओ माय गॉड, ये कॉफी लिप बाम है, आप देखिए इसको कैसी हो रही है। लाइक सच में सीरियसली इसमें बर्फ जम चुकी है, ये देखिए दिख नहीं रही है बट लिटरली इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। सीरियसली लिप बाम में बर्फ जमना आसान है? अभी तो पानी भी इतना ठंडा हो रहा है ना कि जैसे बर्फ जम रही हो। सो सीरम के लिए, लिप बाम लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम जो कि है purple.com का। अभी मैंने कल भी दिखाया था शायद आप लोगों को, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे दी आज फिर से वही सेम स्किन केयर दिखा रही हैं। सो एक्चुअली मैं क्यों वीडियो को स्किप करूँ, आप लोगों को तो डेली लाइफ में मेरे ये भी आता है इसलिए दिखा रही हूँ। विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन केयर का ख्याल रखना होता है, वरना विंटर में हमारी स्किन की बैंड तो बच जाएगी, ये तो
लिखी बात है। ये जो फेशियल ऑयल है 24 कैरेट फेशियल ऑयल पर्पल का, ये इतना अमेजिंग ऑयल है। ओ माय गॉड, मतलब इसका जो मुझे लोगो है ना, ये क्या बताऊँ। सो गाइस, पहले मैं लगाती थी वाओ का बॉडी लोशन, लेकिन आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो मैंने मंगवाया हुआ है गुड वाइब्स का ये बॉडी लोशन, तो आप ही लोगों के सामने इसको ओपन करके बताती हूँ कि ये कैसा है। हाँ आ जाओ, ले लिया मैंने बॉडी लोशन और मैं लगा रही हूँ। अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, वाओ का तो अच्छा था ही, इसलिए मैं उसको लगाती थी। क्योंकि वो मुझे और भी अच्छा लगा, बिकॉज ये साइंस प्रोवाइड कर रहा है आपकी स्किन पे, एंड अच्छे से मॉइस्चराइज हो रहा है, ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप कुछ चाहें तो वाई कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम इसका बॉडी लोशन, ये बड़ी पैकेजिंग में आया हुआ है, बाकी बॉडी लोशन वही है जो पहले था। अब आती हूँ मैं फेशियल लोशन पे। तो ये गुड वाइब्स का फेशियल लोशन है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स प्लस का। और मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि बहुत अच्छा है, कांच की बोतल में आता है। अभी सारे प्रोडक्ट्स जम रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। भैया गर्मियों में आप अपनी स्किन केयर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन से थोड़ा सा भी प्यार है तो ठंडियों में भी अपनी स्किन केयर अच्छे से कीजिए। सो फाइनली स्किन केयर यहाँ पे मेरी हो गई है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी थोड़ी देर में, खाना वाना खाने के बाद। सो गाइस, खाना खाने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं कर रही हूँ मेरी इसको साफ़। ये मैस हो चुका है और मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा, वरना मेरा तो स्किन केयर करने का भी मन होता है। एक हुआ वॉशरूम, एक हुआ किचन, एक हुआ मेरा स्किन, मेरा ये सामान जहाँ पे मैं रखती हूँ तैयार होने का। मुझे मैस ही बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉशरूम इसलिए क्योंकि मैं नहाती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है, किचन इसलिए क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे साफ़ सुथरा चाहिए, एंड थर्ड चीज़ जो है वो स्किन केयर का, कि मुझे चीज़ें सेपरेट चाहिए होती हैं, अच्छे से चाहिए होती, जमी हुई चाहिए होती, तभी मुझे करने में मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट से क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। आप एक काम करो। सो गाइज, मैं अपनी पूरी इस ड्रेसिंग को ठीक करूँगी, बिकॉज ड्रेसिंग क्या हो लिया, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब हो रखा है। और ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो सच में मन नहीं लगता है, जब मेरा मैसी रहता है कोई भी चीज़, अगर मेरे कपड़े भी मैसी होते हैं ना, लाइक कपड़े फैले होते हैं, तो मुझे लगता है कब तय लगा लूँ। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि दी आप इस तरीके से सिस्टम से चीज़ें रखते हैं तो हम लोगों का भी मन होता है। तो जी हाँ, जब आप सिस्टम से रखते हो तभी खुशी होती है। सो जी, एक मुझे पीआर आया था अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, तो वो भी इसी कार्टून में भरा हुआ था, तो मैं सारी चीज़ों को जमा रही हूँ। एंड बताना ज़रूर, एक तरीके से मैं पीआर में बता दूँ, ये गुड वाइब्स की फेशियल किट आई हैं, तो इनका रिव्यू किस किस को चाहिए मुझे बता देना। एंड कल मैंने बताया हुआ था पर्पल के सीरम के रिव्यू, तो वो कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वॉच भी कर लीजिएगा। कभी कभी सच में ऐसा फील होता है कि ये सब गया भाड़ में, ऐसी हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी ना डेली डेली अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी लगता है यार ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि हमारा माइंड फ्री रहे एंड हम फ्री रहें। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मेरा तो हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, जिस दिन मैं सोचती हूँ चलो आज कुछ नहीं करना, उसी दिन सबसे ज़्यादा काम लगता है, उसी दिन सबसे ज़्यादा काम पड़ जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है पर्पल पर्पल के पैकेट, इनमें सब मैं पर्पल की लिपस्टिक, पर्पल का काजल, पर्पल का लाइनर, सिर्फ यही यही सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि इस बार पर्पल की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने मंगवाई हुई हैं, क्योंकि न्यू लॉन्चेस हुए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो न्यू लॉन्चेस हैं उसके रिव्यूज़ मांगे हैं, तो धीरे धीरे करके मैं एक एक करके सबका शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे संगीता जो है वो चेक कर रही है कि ये क्या है, पूछ रही है, क्योंकि उसको इतना मेकअप वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो मैं बता रही थी कि खोल के देख लो आई शैडो है। एंड मुझे कुछ कुछ चीज़ों का तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि क्या है, बिकॉज़ अभी अभी आया है, मैंने जैसा कि बताया, तो कई बार नहीं हम लोगों को इतना टाइम मिलता है कि जाके हम चेक करें। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये लाइनर है, वाओ बहुत अच्छा लाइनर था। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक के अकेले में, मैं स्वेचेस लेती रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें। एंड मैं खोल खोल के देख रही थी कि किस में क्या है, तो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि ये है, ये है।
नहीं चलो यार, इनके रिव्यू मैं बाद में करूँगी। तो ये जो दो टोकरी है ना, इसमें मैं टोकनी सॉरी टोकनी है ना, मैं इनमें एक मैं जो न्यू लॉन्चेस आए हुए हैं वो रख रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें रिव्यू करना है तो हम तुरंत निकालेंगे और फैलेगा भी नहीं। तो हाँ हर चीज़ों को सिस्टम से रखने से बस यही होता है कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, साथ ही साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी आप देख सकते हैं जो रेड वाली अलमेरा है, ये मेरी मैंने अमेजोन से मंगवाई हुई थी और 1600 रुपये में आई थी ये। और आप ये देखिए कि इसके कपड़े जो दिख रहे हैं थोड़े बहुत, कितने ज़्यादा मैसी हो रखे हैं। तो मैं सच बताऊँ मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सब करने के बाद नहाया खाना खाया तो इतना आलस टाइप का आ रहा था कि मैं ये सारी काम करने के बाद इसको अच्छे से जमाने के बाद सो जाती हूँ और फिर उठती हूँ और फिर काम में लगती हूँ। क्योंकि आज बहुत सारे काम, जिस दिन सैटरडे संडे पड़ता है तो सच में जेंट्स लोगों के लिए तो हो जाता है यार, उनको तो क्या है अगर जॉब जा रहे हैं तो उनको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है। अरे संडे नहीं, सैटरडे नहीं मिलेगा तो संडे तो मिलेगा, हम लेडीज़ को नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास तो 300 दिन काम रहता है। और संडे को मैंने कई बार अपना नोटिस किया कि संडे को और ज़्यादा काम निपट आते निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरम वगैरह सब कुछ जमा दिया है। एंड अब देखिए आप मेरी अलमारी कितनी अच्छे से सिस्टम से सब कुछ लग रहा है, लग रहा है ना। मेरे को ऐसी सारी चीज़ें पसंद हैं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ ऐसी। सो अब इसके बाद गाइज मैं सो जाती हूँ एंड उठने के बाद मैं डॉलर के साथ ढेर सारा खेलती हूँ। सो यहाँ पे मैं डॉलर के साथ खेल रही हूँ और वो कपड़े पहने हुए है ना, तो उसको इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, आप खुद ही देखिए उसको, देखो। क्यों उतारते हो, क्यों नहीं पहनना, क्यों नहीं पहनना, नहीं पहनना, चलो निकाले। सो गाइज मैंने जो है ना वो निकाल दिए हैं उसके कपड़े, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं थे उसको कपड़े क्यों नहीं पहनाते हो, रीज़न यही है क्योंकि वो कपड़े में मुझे बहुत परेशान करता है, इतना काट काट करता है, लाइक कटने का मन करता है उसका, बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता है, भोंकता है। मैं नहीं चाहती वो इतना भोंके। इसके बाद मैं यहाँ पे मिशिका को कर रही हूँ रेडी, बिकॉज़ मिशिका को और मुझे जाना है मार्केट। सो मैंने पहले मिशिका को रेडी कर दिया है, बाद में मैं मतलब अपने खुद को रेडी करूँगी। एंड ये कपड़े मैंने सारे निकाल के यहाँ डाल लिए हैं, तो मैं तय लगा रही थी तो आधे मैंने तय लगा लिए थे। एंड जब मैं मिशिका को रेडी कर रही थी, उसके बाद संगीता क्योंकि अंदर काम कर रही थी तो वो भी आई, तो नहीं सो रही थी संगीता, ओके ओके सो रही थी सोफा पे। तो फिर वो आई, वो कहने लगी दीदी मैं करवा लूँ क्या? मैंने कहा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो करवा लूँ, वरना रहने दो, बिकॉज़ मैं संगीता को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ यार, वो भी सुबह से आती है तो काम ही तो करती है। तो जब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम है तो मैं खुद करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोने में कितना मैसी है, तो यहाँ पे डॉलर और डॉलर के साथ दीदी सोती हैं, इसलिए ये जो बिस्तर है हमेशा यहाँ पे लगे ही रहते हैं, क्योंकि डॉलर कभी भी किसी भी वक्त सो जाता है। पास में टेडी रखा है, पास में ये प्रेस के लिए कपड़े मतलब धुल के रख चुके हैं और ये प्रेस के लिए जाने हैं। मिसी का भी बहुत परेशान करती है, टाइल्स इतना ज़्यादा ठंडा होता है लेकिन ये सॉक्स वगैरह नहीं पहनती है। अभी तो उसको किसी और चीज़ की रटना लगी हुई है, तो वो चीज़ क्या है वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ऑर्डर कर दिया है तो उसका उछाल है, ये जो उछल रही है ना वो बार बार, ये सिर्फ उसी के लिए। एंड इसके सॉक्स भी मुझे नहीं मिलते हैं, कहाँ कहाँ फेंकती रहती है पता नहीं चलता। एक सॉक्स तो ये ड्रेसिंग पे ही रखा हुआ है, उसकी चीज़ें फेंकने की बड़ी बुरी आदत है। और मैं सुनीता से कह रही थी कि तुमने सो लिया है तो थोड़ा मुंह धो लो ताकि ताजगी लगे, वरना रहने दो। तो फिर आके मेरे साथ बैठ जाती है एंड बाबू के कपड़े फोल्ड कर रही थी, मैं मिशिका के कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग है, बाबू के मैं बाबू के रखवाती हूँ और अब मिशिका के मैं मिशिका के। इससे क्या होता है छोटे बड़े मिक्स नहीं होते हैं और कपड़े ज़्यादा मैसी नहीं होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वहीं मचा रहता है सब कुछ। तो कभी कभी ऐसा करने में अच्छा लगता है। सो आप में से भी आई थिंक कि सभी लोगों की ऐसी ही आदत होगी एंड ये आदत सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इससे कपड़े वगैरह नहीं फैलते। एक बार लगा दो तो फ्री हो जाओ फिर एक आध महीने के लिए, 15 दिन के लिए। वो मिशिका के और डॉलर के चक्कर में नहीं हो पाती हूँ मैं फ्री 15-20 दिन के लिए, उसके चक्कर में इसलिए क्योंकि कई बार अब मिशिका जाके खुद कपड़े पहन लेती है, कई बार वो ऐसी हरकतें करती है, तो इसलिए, नहीं तो हो ही जाऊँ मैं तो फ्री यहाँ पे। सो फाइनली गाइज अभी सारा काम हो चुका है और मैं भी फ्री हो चुकी हूँ और अभी सोच रही हूँ कुछ करने का, देखती हूँ क्या करना है। सामने आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है सामने से, आई डोंट नो क्या हो रहा है सामने। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ होने लगी है, गाड़ियाँ का आना जाना,
एंड ठंड का आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे लिप्स को देख के। क्या होता है जैसे आप मैट वाली लिपस्टिक लगाते हो एंड फिर उसके बाद अगर आप लिप बाम वगैरह नहीं लगाते हो तो ये प्रॉब्लम जाती है जो भी मेरी लिप्स पे जा रही है। लिप बाम वगैरह लगाती रहूँगी तो ठीक हो जाएगी। चलो गाइस थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद मैंने सीधे काम करना स्टार्ट कर दिया था और काम में घर का कुछ नहीं होता, यही फालतू का काम होता है जो डेली बढ़ता है और बढ़ते ही जाता है। अभी ठंडियों का टाइम है ना, कपड़े कपड़े ओनली कपड़े नज़र आते हैं। गर्मियों में इतने कपड़े नहीं फैलते जितने ठंडियों में फैलते भी हैं, प्लस गंदे भी होते हैं, प्लस सूखते भी नहीं हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना विंटर्स में कि आई डोंट नो यार क्यों होती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो चलिए गाइस थोड़ी देर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और कुछ और प्लान है, सैटरडे है एंड आज मेरा कोई वीडियो नहीं जाने वाला है क्योंकि आज बाबू ने मुझे मना किया है वीडियो करने के लिए। वो कह रहे थे यार एक दिन तो मुझे दे दिया करो, तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं सूट कर रही हूँ, देखती हूँ ये संडे को जाता भी है या नहीं। सो या चलो मैं थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती हूँ। सो यहाँ पे गाइज आप लोगों को पता है कि सैटरडे है और बाबू आज ऑफिस नहीं गए, जिसकी वजह से जो है ना क्या बोलते हैं वेट आज बिस्तर उठा ही नहीं, काफ़ी लेट हो गया था। करते करते नहीं नहीं करते 3 बज चुके थे, बिस्तर वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं समेट देती हूँ बिस्तर को, क्योंकि बाबू लेटे रहते हैं ठंड की वजह से। अभी तो इतनी ठंडी पड़ रही है, और फिर मैंने बताया कि मैं भी सो गई थी, तो बात वही पड़ जाती है ना, जब ठंड लगती है तो बिस्तर में जाता है इंसान, बिस्तर में लेट जाता है और लेटे लेटे वो कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मेरी कहानी भी सेम वैसी उन्हीं में की है। सो मैं भी सो गई थी। यहाँ पे प्लाई पता नहीं ऊपर नीचे कैसे हो गई हल्की सी, तो मैं उसको सेट कर रही थी, बिकॉज उसकी वजह से गद्दा काफ़ी आड़ा तिरछा सा लग रहा था। ये जो बेड सीट है आप लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज ये लाइट कलर है। तो ये मैंने मीशो ऐप से परचेज़ की थी और मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, ये समथिंग 450 के समथिंग की थी, लेकिन इतनी अच्छी बेड सीट निकली है, इतनी अच्छी बेड सीट निकली है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। क्योंकि ये मेरा जो बेड है ये किंग साइज़ का है, तो यहाँ पे बेड सीट मतलब जो बेड सीट होती है वो छोटी पड़ ही जाती है, लेकिन ये बेड सीट दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट पड़ी है। और इसकी जो तकिया कवर है वो ही काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो यहाँ पे मेरे बिस्तर भी मैंने ठीक कर दिया है। इसके बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ, थोड़ी देर से बिस्तर लग चुका है। सो गाइज फाइनली हम लोग थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं किसी काम से, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड एक और चीज़ बताना चाहती थी आप लोगों को, अगर आप लोगों में से किसी ने बाबू के चैनल को नहीं वॉच किया है तो जाके उनके चैनल पर वॉच कीजिए, उनके चैनल पर विजिट कीजिए। उनके चैनल का नेम है आपका शिवम, एंड मिशिका और बाबू की दोनों की DP डली हुई है। एंड उनके चैनल पे बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज वीडियो मेरे पास है बट मैं उसे एडिट नहीं कर पा रही हूँ। सो जैसे ही एडिट होती है वीडियो को मैं पब्लिश कर लूँगी। उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर लेना, और जैसे ही वहाँ पे कम्युनिटी मिलती है मैं आप लोगों में से जो भी यूट्यूबर्स हैं जो चाहती हैं कि उनका कम्युनिटी टैब पर मैं लगाऊँ, सो मैं लगा दूँगी। सो बाय गाइस, और ख्याल रखिएगा अपना अपनी फैमिली का। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।